बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी एक्सटर्नल माइक है, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपके पास भी इस तरह का तार वाला माइक है, तो वो आप जो आपके नॉर्मल फ़ोन में जो कैमरा होता है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब आप माइक लगाते हैं, आप ऊपर देखते हैं कि उसने प्लग इन कर लिया, लेकिन वो जब आप कैमरे में वीडियो बनाते हैं तो वो नॉर्मल जो मोबाइल का माइक होता है उससे रिकॉर्ड होती है। तो ये इस तरह क्यों होता है और इसका क्या सलूशन है? तो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरे पास ये मोबाइल है, ये है इन्फिनिक्स कंपनी का। तो इस तरह के जो मोबाइल है, इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, वीवो हो गया, या चाइना के ये जो जितने मोबाइल हैं उनमें इनकी ये जो अपनी कैमरा एप्लीकेशन है इसमें ये चीज़ सपोर्ट नहीं है। कुछ ऐसे मोबाइल भी हैं जिनमें इधर एक्सटर्नल माइक का भी ऑप्शन है, लेकिन ये जो इस तरह के इन्फिनिक्स, टेक्नो वाले, जो वीवो इस तरह के मोबाइल हैं, इनमें ये चीज़ नहीं है। तो जिस भाई का भी ये नहीं आ रहा, तो उसने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें अगर आप देखें भी कि ऊपर प्लग इन हुआ है, माइक लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वीडियो जब आप बनाएंगे तो नॉर्मल मोबाइल के माइक से वीडियो बनेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने चला जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे आपने जाके आपने एक एप्लीकेशन करनी है डाउनलोड। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक ओपन कैमरा के नाम से एक एप्लीकेशन है, एक तो हो गई ये एप्लीकेशन, मैं मेरे पास डाउनलोड है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें आपने करना क्या है। तो ये ओपन आपने कर लिया, इसके बाद आपने सेटिंग ओपन कर लेनी है, उसके बाद आपने वीडियो सेटिंग पर आ जाना है और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो के नीचे जो ऑप्शन है इसको आपने ओपन करके यहाँ से एक्सटर्नल माइक सेलेक्ट कर देना है, तो इससे भी बन जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल अभी जैसे कि अभी ट्रेंड है कि हर बंदा फ़िल्टर यूज़ करता है, फ़िल्टर के बगैर उसको वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें फ़िल्टर बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि आप जिसमें फ़िल्टर भी यूज़ कर सकें, क्योंकि अभी फ़िल्टर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से कैमरा है स्नैपचैट, लेकिन स्नैपचैट पर भी जब आप माइक लगाएंगे एक्सटर्नल तो उसमें आवाज़ नहीं जाएगी। तो इसलिए आपने दोबारा से चला जाना है प्ले स्टोर पर, जाके आपने यहाँ लिखना है B612। तो ये जो कैमरा है B612, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसमें आपको किसी तरह की कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करें। मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो अभी मेरे पास एक मोबाइल है जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता कि किस तरह की रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आपने आप फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं, तो इसमें आप फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपको किसी तरह की कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक्सटर्नल माइक लगाएँ और वीडियो बनाएँ।